केड़ा रमजान? हाँ रमजान में हूँ, रमजान में मुख्य फेमा में हसैन दियत आप देख सकते हैं ये कितने खुश हो रहे हैं हमें देख के। खुशी थी हाँ हाँ है ना जो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आबा, बिस्मिल्लाह खैर ए बेचनी दा, ए बेचनी दा सवार हाँ। सलाम सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, तो हम आए अभी किरदान शायद कोई सा कुछ नाम बता रहे हैं, वहाँ पे एक मौक़िफ़ लगा हुआ था मेन रोड पे जो ये बॉर्डर की तरफ रोड जा रहा है, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये गाड़ियाँ जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान में जिस हाथ से गाड़ियाँ जा रही हैं उस हाथ पे गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे कुछ उल्टा सीन है। ये मौक़िफ़ लगा हुआ है, हमने कावा चाय पी, ये हमारे ज़ायरीन और ये मौक़िफ़ के मालिक, ये हमारे ज़ायरीन ने अंदर मौक़िफ़ में आराम फरमा रहे हैं, इन लोगों ने मौक़िफ़ लगाई है, बंदा जो बैठा हुआ है ये हमारे काशिफ भाई, तो आ भाई अल्लाह का करम। मौसम कैसा है? मौसम तो ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर में। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल सर्दी, बिल्कुल सर्दी बहुत है, थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं, बारिश भी हुई है शायद। हाँ बारिश हुई है। चाय यार समझ में नहीं, कावा है? हाँ हाँ ये देखिए हर जगह पे कावा चाहिए। ये हम मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं ईरान के मौक़िफ़ पे, तो ज़ायरीन को देख के मौक़िफ़ वाले जो जिसने मौक़िफ़ लगाया ये दौड़ना शुरू हो गए हमें तबरुकात देने और बिठाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये देखें हम अभी तक गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी से उतरे नहीं हैं, तो इन लोगों ने भागना शुरू कर दिया है हमें देख के, हमें तबरुकात खिलाने के लिए। और अस्सलाम वालेकुम, ईरान के शहर उतरे हुए हैं, पता नहीं एक बरबान में ये हमारी गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल ही प्यारा ही ज़बरदस्त
ईरान के रोड देखें, माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। ये मस्जिद हज़रत अली इब्ने अबी तालिब, काशिफ भाई रोड 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 डसो, काशिफ भाई रोड डसो रोड, पाकिस्तान एतरा रोड। हाँ ईरानी फैमिली अपने बच्चों के साथ नाश्ता करेंगी, इनका होटल है शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चल फर्ज अंडरग्राउंड नीचे हैं। खवातीन हेरे लिखे ला हेरे जिनसा बरादरान अशरूम छोटा सा गांव है ये। ये हमारे गांव की तरह नहीं है ईंटें। ये मस्जिद है छोटा सा इमाम बारगा। मस्जिद आ सही मस्जिद के सैन में दरख्त लगा हुआ है खजूर का। ये सामने एल कूलर, ये ख्वातीन की जाने की जगह। कने जेर च मंगया बाबा मैं खुशाम दे लोका ने तेरे बाद कने जेर च मंगया ओ मैं गैरत सैयदां दे मैं गैरत सैयदां दे सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया मैं गैरत सैयदां दे मैं गैरत सैयदां दे यूं वेले मर गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा दाखिला होया शाम विच है भीड़ बाजार लोकां दी जरा दाखिला होया शाम विच है भीड़ बाजार लोकां दी फुफियां दे टुरण किते फुफियां दे टुरण किते सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया खुशनुदी इमामे जमाना आवाज़े बुलंद सलवा मुन्ना
मस्जिद। सलाम आगा, एक नया दूसरा मौकिफ। यहाँ पे इमाम ज़माना मौकिफ साहिब ज़मान फरमंदे यहाँ पे ज्यादातर पाकिस्तानी है। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या अब्बास। यहाँ पे लेडीज सभी इमाम हुसैन दे रही हैं। सूफ माना मुल्क में वण ना उनको कदर कुछ असा किए कटियां ता कटा इतरी किरी मिनत ता करना टायर घणे एडा दई ता वण साथ में तो सही लगना है यार यो देख पहाड़ी खई बस ठप ठप लाई बिटो पत्थर ठुक ना बेर सा बहुत मोटे ना मोटे कपे ता मानस के तो दूर को दिया हां मी जा सरे दिना उन पानी भी से कम उठ ना ना तो लाई में दे ये डाडू हाँ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜੇ ਮਾਪਣਾ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ चाचे वालों वारनि पानी खत्म थे ये वाले चाचे अरबाब वारन जी ओए अरे पहाड़ विच में नाच Yeah.